रिश्तों को ज़रूरी नहीं है कि घसीटा जाए, उन्हें खूबसूरत मोड़ दे करके छोड़ा भी जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि उसे रास्ते से हटाने के लिए ऐसे प्रयास किए जाएं जिनके लॉन्ग रन में जाकर के नतीजे अच्छे ना निकले। और एक और बात, अगर कोई पुलिस का कर्मचारी है या अधिकारी है, उसे ये पता होता है कि किस जुर्म की कितनी सज़ा होती है और किस जुर्म को किस हद तक छिपाया जा सकता है। बावजूद इसके ऐसे रास्ते अख्तियार कर लिए जाते हैं जिनमें आगे चल करके बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शेयर करने वाली हूं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक पुलिस अधिकारी और उसकी एक सहयोगी पुलिस कर्मचारी दोनों पूल में नहा रहे हैं और वो वीडियो वायरल हो जाता है। बहुत सारी सफाई दी जाती है उसमें, लेकिन अंततः क्या होता है, तमाम सारी इसमें कार्रवाई होती है और उसके बाद सस्पेंशन। नतीजा क्या निकलता है, पुलिस के जो लोग होते हैं वो कई बार कुछ लोग ऐसे काम कर देते हैं जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है शर्मसार होता है, उसका सिर शर्म से झुकता है कुछ लोगों की वजह से। और आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही है। महिला कांस्टेबल को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब आप देखिए उस पे अरेस्टिंग क्यों किया है, क्यों उस पे जो है ये चार्ज आता है, पूरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। आप पूरी वीडियो देखिएगा। एक और बात, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें। मुंबई पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट की एक महिला को अरेस्ट किया है। महिला कांस्टेबल है, उस पर ये आरोप है कि उसने मुंबई में एक हेड कांस्टेबल शिवाजी सनप का मर्डर करवाया है। ये बहुत हैरान करने वाली खबर है अपने आप में कि अपने ही डिपार्टमेंट के एक शानदार कर्मचारी का मर्डर होता है। दरअसल इसमें होता क्या है, हर रोज़ की तरह मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल शिवाजी सानप अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वापस अपने घर जा रहा होता है पुणे। शिवाजी मुंबई पुलिस के नेहरू नगर थाने में पोस्टेड होता है और ड्यूटी के लिए वो रोज़ाना पुणे से ही आया जाया करता था, और जब ड्यूटी उसकी ओवर होती थी तो वापस पुणे चला जाता था। पुणे से वह बस से पहले पनवेल आता था, पनवेल से दूसरी बस पकड़ के वो कुर्ला पहुंचता और वहां से वो लोकल ट्रेन के जरिए नेहरू नगर के अपने थाने में जहां उसकी पोस्टिंग थी वहां वो पहुंचता। और 15 अगस्त की रात को भी उसकी सेम रूटीन थी। वो 15 अगस्त की रात को कुर्ला स्टेशन से उतरने के बाद पनवेल के लिए बस पकड़ने के लिए जा रहा था, सड़क से गुजर रहा था, तभी एक तेज़ रफ्तार नैनो कार आती है और शिवाजी को हिट करती है, उसके बाद वो आगे निकल जाती है। शिवाजी इस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। ये एक जितनी बात मैंने आपको बताई है इतनी बात पुलिस को पता चलती है। सीधा सीधा एक सड़क हादसे का मामला दिख रहा था, शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने रोड एक्सीडेंट में इस केस को दर्ज कर लिया और हादसे की खबर पुणे में शिवाजी के घर में भी दे दी। परिवार मुंबई पहुंचता है, लेकिन इसके बाद शिवाजी की पत्नी को ये शक होता है कि ये मामला सड़क हादसे का नहीं है, ये मामला मर्डर का है। शिवाजी की पत्नी के कहने पे ही मुंबई पुलिस ने दोबारा से इस पे जांच करनी शुरू की, लेकिन खुद पुलिस अभी तक इस केस को एक रोड एक्सीडेंट मान के चल रही थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस जगह शिवाजी का एक्सीडेंट हुआ था ठीक उससे थोड़ी सी आगे नैनो कार जली हुई हालत में मिलती है, और पुलिस को ये पता भी नहीं था कि शिवाजी का एक्सीडेंट किस कार से हुआ है। पत्नी की शिकायत पुलिस के पास पहले से ही थी
और अब पुलिस जो है सीरियसली इस मौत की जांच में जुट जाती है। जिस जगह के ये हादसा हुआ था, पुलिस उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालती है। पुलिस को शिवाजी की रूटीन का पता था, वो पुणे से नेहरू नगर और पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचता था, उसी के आधार पे पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए। करीब 250 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद 15 अगस्त की रात शिवाजी को कुर्ला रेलवे स्टेशन के बाहर से निकलते हुए कैमरे में देखा। इसके बाद वो पनवेल बस पकड़ने के लिए पैदल चलते हुए एक और दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं, और जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो पुलिस वो कैमरा भी खंगालने में और उसमें देखने में कामयाब हो जाती है, जिसमें एक नैनो कार शिवाजी को हिट करके निकल जाती है। कैमरे की नज़र से ही ये पता चलता है कि उस कार में दो लोग सवार थे, और उनकी तस्वीरें निकालनी शुरू की। तो तफ्तीश के बाद ये कहानी कुछ और ही एंगल लेकर के सामने आती है। इस कहानी के मुताबिक 2019 में शीतल पंचारी नाम की एक कांस्टेबल ने शिवाजी के खिलाफ दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये दोनों रिपोर्ट्स छेड़खानी और यौन शोषण की थी। नई कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने 2019 में भी झांकने का एक प्रयास किया। नई कहानी सुनने को मिली। 2019 तक स्वराज और शीतल सारे मुंबई के नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में साथ साथ काम करते थे, और शिवाजी और शीतल दोनों में आपस में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी थे। लेकिन फिर अचानक बात खराब होती है, रिश्तों में कड़वाहट आती है और उनमें झगड़े शुरू होते हैं। इसी झगड़े के बाद 2019 में शीतल ने दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिवाजी के खिलाफ शिकायत कराई। अब शिवाजी की पत्नी को सारी बात पता थी। यही वजह थी कि उनकी पत्नी ये मान के चल रही थी कि उसकी हत्या हुई है, उसको रोड पे किसी ने हिट नहीं किया, और उन्होंने इशारा भी शीतल की तरफ किया था। अब पहली बार शीतल पुलिस के रडार पे आती है, लेकिन सिर्फ रडार पे आना, वो भी बिना सबूत के, पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किलों भरी ये तफ्तीश थी। अब पुलिस ने बड़ी खामोशी से शीतल के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करी। शीतल को कुछ पता नहीं होता कि उसके फ़ोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं, उसके बारे में सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है कि वो क्या पोस्ट कर रही है। और इसी के दौरान ये भी पता चलता है कि उसने इंस्टा पे धनराज यादव से दोस्ती की थी, और दोस्ती के विद इन 5 डेज ही उनकी शादी भी हो जाती है। ये काफ़ी हैरान करने वाली बात थी, और ये बात 2019 के आखिर की है। धनराज तमिलनाडु का रहने वाला था, और शादी के सिर्फ एक हफ्ते के बाद शीतल ने धनराज को कहा कि उसे शिवाजी से बदला लेना है, और चूंकि तुम एक ड्राइवर हो, तुम बहुत इजीली उसको हिट करके जा सकते हो, तुम्हें पता है कि कैसे इस घटना को अंजाम देना है। वो डर गया, धनराज धनराज शीतल की प्लानिंग से इत्तेफाक नहीं कर रहा था, काफ़ी डर गया, और इसी डर की वजह से वो तमिलनाडु वापस निकल गया। मुंबई में अगर वो रहता तो शायद शीतल उसको किसी केस में फंसा भी सकती थी। शीतल का पहला दांव खाली चला गया था, और मकसद उसके दिमाग में अभी भी जिंदा था। जिस मकसद से उसने धनराज के साथ शादी की थी, वो अधूरा रह गया, पर वो किसी भी कीमत पे शिवाजी से बदला लेना चाहती थी। इसके लिए उसने दूसरा मोहरा चुना। वो मोहरा था सोसाइटी का गार्ड का बेटा। मात्र 18 साल की उसकी उम्र थी, विशाल यादव उसका नाम था। शीतल ने उसको अपने जाल में फंसाया, और एक दिन मौका देख करके उसने अपने मन की बात कही कि वो शिवाजी को रास्ते से हटाना चाहती है। इसके लिए उसने उसको एक रकम भी तय की, और विशाल यादव ने अपने एक दोस्त को साथ में लिया, गणेश चौहान,
गणेश चौहान भी रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई आया हुआ था। शीतल ने शिवाजी को ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों लड़कों को 70,000 रुपये दिए। विशाल और गणेश ने सबसे पहले शिवाजी की रेखी की, उनका पीछा किया, आने जाने का समय नोट किया और जब उन्होंने पूरा अपना होमवर्क कर लिया उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि वो कुर्ला और पनवेल के बीच जो एक रास्ता है उस पर वो उसको हिट करेंगे अपनी गाड़ी से। 15 अगस्त की रात को इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया नैनो कार से। नैनो कार ने ही शिवाजी को टक्कर मारी, जिसके बाद कुछ दूरी पर जाकर के नैनो कार को जला दिया गया ताकि कोई सबूत भी न बचे। पुलिस को लगा कि शीतल ने शिवाजी का कत्ल करने के लिए अपने पति धनराज यादव का इस्तेमाल किया, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसे उठाया। तमिलनाडु पुलिस जाती है और वहाँ से उसको मुंबई लेकर आती है और जो दो चेहरे कार में बैठे हुए पुलिस ने ट्रेस किए थे उन दोनों चेहरों को धनराज को दिखाया जाता है, क्योंकि धनराज से वो चेहरे मैच नहीं हो रहे थे इसलिए पुलिस ने वो चेहरे धनराज को दिखाए। धनराज ने इसमें विशाल को पहचान लिया क्योंकि वो काफ़ी समय तक उस सोसाइटी में रहा था अपनी पत्नी के साथ जहाँ विशाल के पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। धनराज की गवाही के बाद ही पुलिस ने फौरन शीतल को गिरफ्तार किया, साथ ही वारदात को अंजाम देने वाले दोनों साथियों को भी पकड़ लिया। अब शीतल, विशाल और गणेश तीनों पुलिस की हिरासत में है और पूरी कहानी जब पुलिस के सामने आती है, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है तो पुलिस खुद बड़ी हैरान होती है कि एक पुलिस कांस्टेबल ने बदला लेने के लिए, एक पुलिस के ही हेड कांस्टेबल से बदला लेने के लिए ऐसी चाल चली कि उसने शादी भी की और ऐसा भी संबंधों में क्या कड़वापन आ गया था कि उसको शिवाजी को रास्ते से हटाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी जो है केवल एक रिलेशनशिप की वजह से जन्मती है। अब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर कोई रिश्ता कड़वाहट से भर जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ऐसा ना करके दूसरे दूसरे तरीके अपनाते हैं और नतीजा क्या होता है, शीतल अब पुलिस की हिरासत में है। हो सकता है आने वाले वक्त में उसकी नौकरी भी नहीं रहेगी और न जाने कितनी लंबी उसकी सज़ा होगी। फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।